धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बाल योगी जी का सपना था और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया, इसलिए इसकी प्रगति दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बाल योगी जी का सपना था और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया, इसलिए इसकी प्रगति दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बाल योगी जी का सपना था और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया, इसलिए इसकी प्रगति दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो कोटिपल्ली नरसापुर रेलवे लाइन है, ये हमारे राज्य के लिए स्पेशली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ये 2000 साल में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष जी माननीय बाल योगी जी का सपना था और उनके समय उनके मेहनत से ये सैंक्शन भी उस टाइम हुआ कि इस प्रोजेक्ट में 2120 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी और 25% पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पे नहीं, 5 प्रोजेक्ट जो आंध्रा में चल रहे, पांचों प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने पैसा अभी देना बंद कर दिया, इसलिए इसकी प्रगति